थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिक्सचर ऑफ गैसेस। अक्सर सवाल ऐसा देता है कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर है। पहले वाले कंटेनर में भरा हुआ है गैस नंबर वन, दूसरे वाले कंटेनर में भरा हुआ है गैस नंबर टू। पहले वाले गैस में एन वन मोल है, दूसरे वाले गैस का N2 मोल है। इसके अलावा तुमने देखा कि पहले वाले का मास M1 है, दूसरे वाले का मोलर मास M2 है। इसका तुम्हें दे देगा CV1 है, CP1 है, Gamma 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। इसका CV2 दे दिया, CP2 दे दिया, Gamma 2 दे दिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 दे दिया। तो इस तरह की बातें तुम्हें दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि जब हम इन दोनों के को मिला देंगे, इन दोनों गैसों को मिला देंगे, तो भाई जो मेरा N1 प्लस N2 जो नया वाला गैस मिलेगा उसका एम ऑफ मिक्सचर बताओ, CV ऑफ मिक्सचर बताओ, CP ऑफ मिक्सचर बताओ, गामा ऑफ मिक्सचर बताओ, और इस तरह का वो तरह तरह का सवाल पूछता है। देखा जाए तो ये सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बस इसमें कुछ छोटे मोटे बातों का अपने को ध्यान रख के ही चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, चीज़ों को करना है, वरना ये फिर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो गैसेस हैं दोनों इनका टेम्परेचर फिलहाल सबका टी है और ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जब तक तुम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे ये चीज़ अपन कर नहीं सकते। ठीक है, तो कैसे करें? तो अब हमने जैसे माना कि इसका टेम्परेचर टी है, इसका भी टी है, और जो N1 प्लस N2 लिया तो कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर में चेंज भी नहीं हुआ, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है प्लस इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वही इन दोनों के पास कंबाइंड इंटरनल एनर्जी होगी। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास पहले गैस की थी, पहले गैस का टेम्परेचर टी था, तो पहले गैस का इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 कितना था? तो डेल्टा U1 बोलना सही नहीं रहेगा, इस बेटर रहेगा कि अपन U1 बोलें, कि पहले वाले गैस की जो इंटरनल एनर्जी U1 थी, दूसरे वाले की U2 थी, वो मिला के U ऑफ मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा है, पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई वर्क डन नहीं है, कोई हीट एनर्जी नहीं है, तो अपन ये कंडीशन लेके ही ये निकाल रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि यार पहले वाले का इंटरनल एनर्जी कितना होगा? तो ये होगा N1 CV1 T, दूसरे वाले का इंटरनल एनर्जी कितना होगा? N2 CV2 × T, और जब मिक्सचर बना उसमें कितना है? तो उसमें N1 प्लस N2 है, तो N1 प्लस N2 CV ऑफ मिक्सचर इंटू टी, यहाँ से टी 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 काट दो तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा, CV ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये बेसिक फॉर्मूला आ गया मिक्सचर का CV निकालने का, तो बेस्ट फॉर्मूला है CV ऑफ मिक्सचर निकालने का। सिमिलरली तुम बोल सकते हो कि CP ऑफ मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, CP ऑफ मिक्सचर में क्या करेंगे? तो भाई CP ऑफ मिक्सचर भी बहुत खास बात नहीं है, तो यह आ जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये CP ऑफ मिक्सचर आ गया। गामा ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? तो गामा ऑफ मिक्सचर मेरा हो जाएगा CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर, ये आ गया गामा ऑफ मिक्सचर। अब इसके अलावा इसने बोल दिया मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर तो अपन ने बचपन से पढ़ा है, एवरेज निकालना पड़ा है ना, क्या है M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, दिस विल बी द कंबाइंड मोलर मास ऑफ दिस सिस्टम। चलो इसके ऊपर एक सवाल लेते हैं और फिर इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी स्क्रीन पे एक सवाल दिया गया है कि भाई हमने क्या किया है कि 5 मोल हीलियम का मिक्स कर दिया है 2 मोल हाइड्रोजन से, 2 मोल हाइड्रोजन से H2 मान लो, 2 मोल हाइड्रोजन से, तो CP ऑफ मिक्सचर, CV ऑफ मिक्सचर, ये सब अपने को निकालना है। सबसे पहले तो अपन हीलियम का सब कुछ निकाल के रख ले और हाइड्रोजन का सब कुछ निकाल के रख ले, उसके बाद ही अपन कुछ कर पाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपन हीलियम की बात कर लेते हो। अगर हीलियम की बात की जाए तो बताओ, जल्दी बताओ, हीलियम का जो अपना CV होगा, CV सिंस मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है F/2R, मोनोएटॉमिक के लिए होता है 3, तो ये आ गया CV/2, 3/2R। CP क्या हो जाएगा? CP होगा CV+R, दैट इज इक्वल्स टू 5/2R। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन H2 डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए CV होगा 5/2R और जो CP होगा वो होगा 7/2R। और मास ऑफ हीलियम तुम्हें पता है, मोलर मास ऑफ हीलियम जो होता है वो होता है 4, और मोलर मास ऑफ जो हाइड्रोजन होता है
वो कितना होता है, वो होता है S2, है ना, तो ये हो गया 2। इतनी बातें तो अपने को पता हमें होनी चाहिए। उसके बाद अपन कूद पड़ते हैं, तो CV ऑफ मिक्सचर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, CV ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, N1, यानी कि 5 इंटू CV ऑफ किसी एक का पकड़ो 3/2 R, यानी कि 5 मोल इसका लिए तो इसका पकड़ो, प्लस दूसरा, दूसरे का मोल कितना है 2 इंटू, इस कितना है 7/2, 7/2 है ना, 7/2 नहीं, 5/2, सॉरी 5/2 CV है, तो इसका आ गया CV 5/2 R डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल बोले तो 7, तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेना जो भी आ जाए, ठीक है। सिमिलरली CP ऑफ मिक्सचर की अगर मुझसे कोई बात किया, 5 × 5/2 R प्लस 2 × 7/2 R डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया मेरा CP ऑफ मिक्सचर। गामा ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, गामा ऑफ मिक्सचर हो जाएगा CP ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई CV ऑफ मिक्सचर, ये मेरा हो गया गामा ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब गामा के अलावा क्या निकाल सकते हो, तुम मोलर मास निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, एम ऑफ मिक्सचर मेरा क्या आ जाएगा, तो एम ऑफ मिक्सचर मेरा आ जाएगा कि कैसे निकालोगे बताओ, एम ऑफ मिक्सचर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा M1 मास ऑफ मोलर मास, यानी कि 4 × N1 5 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल दैट इज इक्वल्स टू 7। तो ये एम ऑफ मिक्सचर का, बहुत बड़ा एफ मिक्सचर का पूछ देगा कि मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा है, तो CV क्या है, तो CV ऑफ मिक्सचर बराबर एफ ऑफ मिक्सचर अपॉन F/2 R होता है ना, तो CV ऑफ मिक्सचर तुम निकाल ही चुके हो, तो एफ ऑफ मिक्सचर वहां से निकल जाएगा। तो एक सवाल तो ये हो गया, तो वो जो इस लेक्चर में अपन ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, अपन नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ नहीं बात करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक था तो हमने इसको निपटा दिया। चलो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।